आज रेणुका विधानसभा क्षेत्र के दौरा और चुनावी अभियान में मेरा आना हुआ है और आज जिस प्रकार से सुबह लाना चेता से हमने इसका प्रारंभ किया है, आज का ये चौथा कार्यक्रम है। कार्यक्रम इसके बाद चारणा में और है। बहुत अच्छा रिस्पांस जनता का मिल रहा है। आज हर कोई नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। आज इस बात को हर कोई मानता है कि मोदी जी ने ऐतिहासिक काम पिछले 10 सालों में किए हैं। विशेष रूप से जिस प्रकार से आज देश आगे बढ़ा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा कि 2047 में इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, और जो योजना है माननीय मोदी जी ने इस देश में लागू की, वो चाहे माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ देने की बात हो, धुएं से मुक्ति दिलाने की बात हो, या फिर शौचालय बनाकर जिस प्रकार से माताओं बहनों की इज्जत का ध्यान रखा गया, जिनके पास आवास नहीं थे उनको घर देने की बात हुई, 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की बात, या जो गरीब अपना इलाज नहीं करा सकते उनको 5 लाख रुपए तक की सुविधा देने की बात हुई, ऐसे अनेकों योजनाएं जो कि जिसकी कोई गारंटी मोदी जी ने नहीं दी थी, वो योजनाएं माननीय मोदी जी ने इस देश में लागू की और ये प्रयास किया है कि जो विकास की धारा से भी जो है पीछे छूट गया है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको मुख्य धारा से जोड़ा जाए।